हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग सम्राट की पाठशाला की वो वीडियो देखने वाले हैं जिसकी रिक्वेस्ट काफी समय से आ रही है। वैसे इससे कोई हैशटैग नहीं मिला है, लेकिन मुझे भी ये सीरीज काफी पसंद है और इस सीरीज का नाम है फनी न्यूज हेडलाइन सीरीज। चलो यार, ये वीडियो एंजॉय करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी बात का जवाब दो। इतने सारे लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया यार? मतलब तुम लोग यार दिल तोड़ देते हो, बताओ। सब्सक्राइब करो प्लीज। वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है? नाटक की बात हो गई। जय पत्रकाली सरकार, जय पत्रकाली। तो क्या हाल है? आज हम बात करेंगे उस चीज की जो सुबह सुबह चाय की चुस्कियों के साथ घर के बुजुर्गों द्वारा चाटी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ न्यूज़पेपर्स की। भाई साहब, न्यूज़पेपर वालों ने जो आतंक मचा रखा है ना, वो आपको आज पता लगेगा। रास को ही ले भागा दामाद। ये हो गया सत्यानाश। मतलब अपनी जवानी तो खराब करी करी, साथ में ससुर का बढ़ावा भी खराब कर गया। अब मैं मानता हूँ प्यार अंधा होता, लेकिन इतना भी अंधा नहीं होता भाई साहब कि माँ और बेटी में फर्क ही ना देखे। बताओ साला, सास को लेके भाग गया। मोबाइल के चक्कर में नाले में गिरी युवती। ये तो बहुत बार हो चुका है। क्या हो रहा है? देखो यार, हजारों बार ये चीज बताई गई होगी कि मैंने देखा है, तो फोन का प्रयोग ना करें वरना दुर्घटना हो सकती है। बताते कि नहीं बताते हैं ना। अब लड़की इतनी मेहनत से मेकअप करके घर से निकली और बाहर निकलते ही उसका ऐसा हाल हो जाए, तो मतलब ये मुर्दों का राज है कि नहीं है? तो इसीलिए मैंने न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस को तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट होगा पति पत्नी से रिलेटेड, दूसरा पार्ट होगा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रिलेटेड, और तीसरा पार्ट होगा अवेयरनेस से रिलेटेड। तो बात करें अपने पहले सेगमेंट की, तो भाई साहब इनको दूसरों की पत्नियों में बड़ा इंटरेस्ट है। मतलब खुद घर में चाहे पत्नी से मार खा रहे होंगे, लेकिन पति पत्नी से रिलेटेड न्यूज आपको पाताल से भी खोज के निकाल के देंगे। पति को समोसा ने भेजा, दुल्हन प्रेमी संग फरार। लौंडे के संग बहुत बुरा हो गया यार। अब वो जो समोसा लाया उसको खाएगा कौन? अबे तुझे समोसा की लग रही है, बाकी लोग आई भग्गी। हाँ वो बात भी है, अब कर भी क्या सकते हैं, भग्गी तो भग्गी। खैर आगे बढ़ते हैं। पत्नी ही निकली फेसबुक फ्रेंड। अबे लौंडे तो बड़ी चालाक निकली, लौंडे का डबल क्यों कट गया? मतलब दोनों ही ठगे, बेटा बच के रह रहा। अंत में गलती किसकी निकलेगी? लड़कों की। क्यों? क्योंकि मर्द हमेशा गलत होते हैं। क्यों? जरूरी नहीं है। फ्यूचर क्या होने वाला है? पति की डंडे से पिटाई। मतलब क्यों? कब तक हम नर मादाओं का शिकार बनते रहेंगे? मतलब हम भी किसी के बाप भाई हो सकते हैं, हमारे पास भी एक दिल है। अबे एक बो भी तो है। क्या जीव? वो जो लटक रहा है। अबे क्या लटक रहा है? अरे नीचे तो देखो, तेरी बहन का स्क्वायर रूट मारूं? वेल, लोगों से एक बीवी तो आजकल संभलती नहीं है, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिसने शादी कर करके पूरा गांव ही बसा दिया। मैं शादी करता नहीं, हो जाती है। अच्छा क्या बात है चचा? अरे चचा, बड़े हैवी ड्राइवर निकले वाले चचा। लोगों की एक बार शादी नहीं हो रही, तुम यहाँ 86 लोग आई धक्के बैठे हो। बच्चों की संख्या देखना, 170 बच्चे कर रहा है, एवरेज दे रहा है। भाई साहब अपनी उम्र से दुगने तो बालक पैदा कर दिए। अल्लाह की मर्जी मानते हैं अबू बाकर, कुछ पत्नियों की उम्र तो उनके बच्चों से भी कम है। ए चाचा, कुछ अपने बच्चान को भी छोड़ दो, कतई पूरा देश बसा के मानोगे? एनीवे, जहाँ चाचा एक और शादी पे शादी करे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक न्यूज ऐसी भी आ रही है, पत्नियों से परेशान पति बन रहे हैं सन्यासी। जबलपुर से 4500 पति लापता। याद है मैंने आपको एक दुखी पति से मिलवाया था जो अपनी फरियाद लेकर पुलिस स्टेशन गया था? तुम क्या रिपोर्ट क्या लिखाओगे? सर हमें रिपोर्ट ये लिखा रहे हैं कि हमारी बीवी हमें रोज डेली दे, जब हमारा मन पड़े तब दे। ना दे तो ना दे तो पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करेंगे सर। भाई कौन धारा नहीं कौन धारा? हाँ तो इन 4500 पतियों का केस ही मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है, इनका भी जुगाड़ हो नहीं पा रहा है। वैसे अगर आपको ये वाली क्लिप पूरी देखनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हैं, कसम से बड़ी मजेदार क्लिप है, देख के मजा ही आ जाएगा। वैसे जहाँ एक तरफ पत्नियों ने आतंक मचा रखा था, वहीं दूसरी ओर कुछ पत्नियां ऐसी भी हैं जो तलाक देने पर मजबूर है। इंजीनियर पति रोज नापता था रोटी, 20 सेंटीमीटर से कम या ज्यादा तो नहीं, एक्सेल शीट बनाकर कामों का हिसाब लेता था, पत्नी ने मांगा तलाक। वाह इंजीनियर साहब वाह, तुमने तो यार सारी कंजूसी की हद ही पार कर दी। अबे रोटीन ने कौन नापता है बे? मेरी सरकार से गुजारिश है कि प्लीज इंजीनियर्स को नौकरी प्रदान की जाए, वरना सब अपनी नॉलेज घर पे ही झाड़ेंगे, और जिनको घर पे बसना चला है वो मेरी तरह यूट्यूबर बन जाएंगे। चलो तो बात करते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली। तो भाई साहब इन अखबार वालों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बहुत इंटरेस्ट है, इसीलिए तो अखबार में आजकल इस टाइप के आर्टिकल छपने शुरू हो गए। सीखें लड़की पटाने के गुण। वाह बेटे बहुत बढ़िया, अखबार में ये भी छपने लगा। पता चल गया है कि युवा पीढ़ी के लिए जॉब बड़ा मुद्दा नहीं है, गर्लफ्रेंड बड़ा मुद्दा है, तो उनको गर्लफ्रेंड प्रोवाइड कराई जाए।
इसीलिए तो ऐसे आजकल छाप छाप के टिप्स बता रहे हैं आप लोगों को। अब अखबार वालों से कोई ये पूछो कि जब जॉब ही नहीं होगी तो गर्लफ्रेंड का खर्चा क्या सरकार उठाएगी? वैसे सब्सिडी मिलनी चाहिए। अगर जॉब नहीं मिलेगी ना तो ऐसी खबरें आनी शुरू हो जाएंगी, गर्लफ्रेंड के खर्च के लिए बीटेक का छात्र बना लुटेरा। आवाज में लुटेरा क्यों ना बने, जॉब ही नहीं है। जॉब तो छोड़ो, बंदों को नॉलेज ही नहीं है। आधे से लौंडों को तो बीटेक करने के बाद भी ये नहीं पता होता कि लाइफ में करना क्या है, बस पढ़े जा रहे हैं। और बीटेक के कंप्लीट होते ही कोई रोटियों को नाप रहा है तो कोई लुटेरा बन रहा है। दिगी दिगी बम बम। आजकल कपल्स की सबसे बड़ी समस्या है रूम का जुगाड़ ना होना, तो बेचारे कहां जाएं? पेड़ों झाड़ियों में घुस के छुआरे लूटेंगे तो अखबार वाले ऐसी खबर छाप देते हैं। रंगरेलियां मना रहे प्रेमी प्रेमिका को कीड़े ने काटा। बताओ अब आदमी जाए तो जाए कहाँ, रूम का जुगाड़ हो नहीं रहा, झाड़ियों में कीड़े काटे, लौंडे छुआरे लूटे तो लूटे कैसे? आजकल सच्चा प्यार मिलता ही कहाँ है भाई साहब? प्यार तो ऐसा हो कि जिसकी लोग मिसाले दे मिसाले। प्यार में धोखा सड़क पे ठोका। बता साला यहाँ एक नहीं मिल रही है, अगला दो दोनों को लेके घूम रहा है। सब अपना अपना टैलेंट है बाबू भैया। अवेयरनेस वाली न्यूज। इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि अखबार वाले न्यूज को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। कानपुर में गांव कपाने वाली सर्दी। मतलब ये लोग लिखते ही वही चीज है कि लोगों को अपनापन सा लगे। मतलब अखबार में लिख रहे हैं गांव कपाने वाली सर्दी। अब अगली हेडलाइन पढ़ो। मोमोज की चटनी मांगने पर दुकानदार ने मारी। तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि अगली बार जब आप दुकानदार से चटनी मांगो तो पहले दुकानदार का चरित्र जान लेना, कहीं चटनी के चक्कर में कोई तुम्हारी गुल्लक फोड़ दे। तो अपनी अपनी गुल्लक संभाल के रखो भैया, लोग 377 लगने के बाद गुल्लक फोड़ के प्यार का इजहार करते हैं, सवारी अपने गुल्लक की खुद जिम्मेदार है। अगली न्यूज। अफरीदी का लड़की पर दिल आया वो लड़का निकला। यार अफरीदी भाई के साथ अच्छा नहीं हुआ, ये तो एंजल प्रिया वाला केस हो गया। अब अगर अफरीदी भाई गुल्लक फोड़ने के शौकीन होते तो लौंडे को ऐसे थोड़ी जाने देते, लौंडे की बिना चटनी मांगे गुल्लक फोड़ देते। खैर अगली हेडलाइन। नशे में धुत युवक को सांप ने काटा, सांप की मौत। सांप की मौत, इतना जहरी लौंडा आया सांप ही मार दिया। अबे नशा करने से इतना जहर बन जाता है क्या? कोई जानकार हो तो मुझे कमेंट में बताना। अगली न्यूज। मुझे भी टूटा तो जिला अस्पताल आए, यहाँ छत का प्लास्टर गिरने से सिर भी फूटा। कहते हैं ना जब इंसान का बुरा वक्त चल रहा होता तो ऊंट पर बैठे सरकारी अस्पताल की हालत। भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, भाई पैर जुड़वाने आए थे, सिर फोड़वा के जा रहे हैं। मतलब ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मार क्यों नहीं जाता है? ये तो सरकारी हॉस्पिटल की हालत है कि कोई जोर से पाद मार दे तो उसका पंखा गिर पड़ता है। प्लास्टर की तो बात ही छोड़ दो। खैर अगली न्यूज। 36 घंटे करने पर भी नहीं हुई संतुष्ट, मर्द ने पुलिस बुलाकर बताई जान। 36 घंटे इसकी बहन का स्क्वायर रूट मारो। अबे किस हफ्सन के चक्कर में पड़ गया अपना लौंडा? न्याय करो, तुम न्याय करो। सीएम डीएम 47 वर्ष की महिला का कारनामा हमारी पुरुषों के हवाले करो, मासूम लोगों की जान बचाती रहेगी। अगली न्यूज। कैट की लेना चाहते हैं अभिषेक कपूर। क्या हद हो गई। ओ बेटे ये बहुत गलत हो रहा है यार, इसको सलमान भाई का डर नहीं है क्या जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? यार एक तो कटरीना के साथ भाई का नाम क्यों जोड़ देते हो? एक अभी से घर पे बैठा है, दूसरा अभी से घर बैठने की तैयारी पे लगा हुआ है। कैट की लेना चाहते हैं? न्याय करो, तुम न्याय करो। आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ मिसप्रिंट हो गई है, यहाँ की जगह को होता, ये कोई मूवी वूवी की बात चल रही होगी। बताओ एक मात्रा के चक्कर में पूरे सेंटेंस का ही मतलब चेंज। सही बात है। अगली न्यूज। हनी सिंह का गाना सुन खेतों से भाग रहे जंगली सुअर। भाई ये छप रहा है आजकल न्यूज़पेपर पर, जो भी हो पढ़ने में बड़ा मजा आया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, अगर आप हमारी पाठशाला में नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, उसके बगल में जो घंटा है उसे दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आजकल नोटिफिकेशन का बहुत ज्यादा लफड़ा चल रहा है। अगर आपको इस पत्नी के सताए आदमी की वीडियो देखनी है। सर हमारी बीवी नहीं देती, परेशान करती है सर। क्या नहीं देती? लहाने को नहीं देती सर। क्या लहाने को नहीं देती? लहाने को नहीं देती, मना कर देती है सर। वैसे यहाँ लहाने का मतलब वही है, वही सर। हम लहाने को नहीं पाते नहीं सर। लहाने का मतलब और पुलिस वाले भी फुल मूड में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तुम्हारे लड़के कितने? अभी नहीं हुआ सर, अभी इसी साल शादी नहीं हुआ। इक्का दाई नहीं मिला हो। कुछ मिला? कुछ तो मिलता है सर, पर जब पेट नहीं भर रहा है नहीं जना रहा है। अगर आपको इस पत्नी के सताए आदमी की वीडियो देखनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाकर देख सकते हैं, मैं आपको लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर बॉय द सम्राट शुक्ला।
ओवर एंड आउट। पांडे जी का बेटा हूँ चुमा ची। ओह गॉड यार, मतलब कैसे कैसे पति पत्नी भरे पड़े, हद हो गई भाई साहब। वो पुलिस कंप्लेन कराने ले गया है, मतलब ये किस धारा के तहत ये कंप्लेन लिखी जाएगी पहले तो ये बताओ, ठीक है? ए भगवान, क्या है ये? ओ गॉड, मतलब ए भगवान यार, बहुत ही मतलब मज़ेदार वीडियो थी और सारी न्यूज़ हेडलाइंस ऐसी ऐसी थी यार। अखबार ना इसीलिए बिकने कम हो रहे हैं, इसीलिए बिकने कम हो रहे हैं क्योंकि मतलब कौन देखे आजकल। वैसे तो न्यूज़पेपर अब फ़ोन में ही अवेलेबल है, ठीक है? तुम्हें कुछ भी देखना हो तुम फ़ोन में देख सकते हो। दूसरी बात, जो कोई बड़े बुज़ुर्ग न्यूज़पेपर पढ़ते भी हैं उनके लिए ऐसी हेडलाइंस अगर होंगी तो बेचारे वो भी पढ़ना छोड़ देंगे। क्या था भाई? और वो क्या था, पति को समोसा लेने भेजा, दुल्हन प्रेमी संग भाग गई। क्या बात है अबे यार, जिससे प्यार करती थी उसी से शादी कर लेती, हद हो गई यार। माय गॉड, हद हो गई, बड़ी खतरनाक वीडियो थी, बहुत ज़्यादा मस्त वीडियो थी। खैर यार, तुम लोग से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है? और इंस्टाग्राम पर यार फॉलो करना मत भूलना। और जो इतने लोग ये अनसब्सक्राइब्ड हैं अभी तक, जो लोग वीडियो देखते हैं कम से कम तुम लोग वो रेड बटन दबा के चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, हैं? कर लो यार प्लीज़। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, बाय बाय।